कल तक भोकाल बने घूम रहे इमरान खान को ईरान ने फिर से आईना दिखा दिया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि भारत और ईरान की मित्रता ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राचीन है। भारत से उसकी दोस्ती निस्वार्थ और घनिष्ठ रिश्तों पर आधारित है। उसने बिना पाकिस्तान का नाम लिए कहा है कि यदि कोई मुल्क यह सोचता है कि वह अपनी मानसिकता को ईरान पर थोपकर उसे भारत से दूर कर सकता है तो यह उसकी गलतफहमी होगी। भारत और ईरान के रिश्तों को कोई भी देश प्रभावित नहीं कर पाएगा। दोनों देश क्षेत्रीय अखंडता और एक दूसरे के विकास में मिलकर काम करते रहेंगे। इसके साथ ही ईरान ने यह भी ऐलान कर दिया है कि चाबार बंदरगाह के विकास में ईरान, भारत और अफगानिस्तान के अलावा किसी अन्य देश को शामिल नहीं किया जाएगा। तेहरान के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर की ईरानी विदेश मंत्री जावेद जरीफ के साथ भारत ईरान संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक के बाद यह बयान आया है। बाद में एस जयशंकर ने ट्वीट करके इस बैठक की जानकारी दी, पर मामला यहां तक नहीं है। इस बैठक के बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। खासतौर से पाकिस्तान इन मायनों का ज्यादा विश्लेषण कर रहा है, क्योंकि लंबे अंतराल के बाद हुई विदेश मंत्री स्तर की इस वार्ता के बाद ईरान ने एक ही झटके में पाकिस्तान के तोते उड़ा दिए हैं। इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान दो बार ईरान की यात्रा पर जा चुके हैं, जबकि पाक सेना प्रमुख और पाक विदेश मंत्री भी ईरान का दौरा कर आए हैं। यानी पाकिस्तान की सब कवायद के पीछे ईरान को भारत से दूर करना था, लेकिन ईरान ने फिर से भारत के पक्ष में अपनी दोस्ती को सदाबहार बताकर पाकिस्तान की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है। पाकिस्तान ने ईरान को शीशे में उतारने के लिए कई चालें चली थी। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि पाकिस्तान ने ईरान को भारत के पाले से निकालने के लिए उसे परमाणु तकनीक तक देने का ऑफर भी दिया था। सवाल तो यहां तक भी उठे थे कि चाबार बंदरगाह के मामले में ईरान चीन और पाकिस्तान को भी आमंत्रित कर रहा है, लेकिन वह सब पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा ही साबित हुआ। कल जारी ईरानी विदेश मंत्री जावेद जरीफ के बयान ने पाकिस्तान के चेहरे पर हवाइयां उड़ा दी है। जरीफ के ट्वीट ने पाक की जलती तस्वीर पर और घी डाल दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भारत के साथ उनकी दोस्ती अटूट है। कोई देश हमें प्रलोभन देकर ईरान को भारत से कभी अलग नहीं कर सकता। गौरतलब है कि भारत और ईरान की यह बैठक उस वक्त हुई है जब हाल ही में अमेरिका ने ईरान से कटु संबंधों के बावजूद चाबार बंदरगाह से भारत को आयात निर्यात प्रतिबंध में छूट दिए जाने का आश्वासन दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि भारत दुनिया का एकमात्र देश है जिसे अमेरिका यह छूट देने जा रहा है। यह सब अमरीकी भारत संबंधों की प्रगाढ़ता के चलते हुआ है। माना जा रहा है कि चाबार बंदरगाह के विकास से इन तीनों देशों के मध्य एशियाई देशों के साथ कारोबार की राह खुल जाएगी। बड़ी बात यह है कि यह बंदरगाह हिंद महासागर में ईरान के बलूचिस्तान और सिस्तान के बीच पड़ता है, जहां से भारत पाकिस्तान पर पूरी नजर बनाए रख सकता है। दरअसल अभी तक ईरान का पड़ोसी मुल्क यह सोचकर बकरी कुदार में मशगूल था कि उसने अपनी कूटनीति से भारत और ईरान के संबंधों में कड़वाहट ला दी है। वह इस बात से भी खुश हुआ जाता था कि अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद ईरान भारत से जो बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदता था वह अब बंद हो चुका है। ऐसे में भारत और ईरान के व्यापारिक रिश्ते भी निचले स्तर पर आ गए हैं। उसने इसी का फायदा उठाने के लिए ईरान के फेरे लगाने शुरू किए। यानी इमरान खान ने अपने 16 महीने के कार्यकाल में ईरान को करीब लाने में सबसे ज्यादा जोर दिया। पाकिस्तान के ऐसा करने के पीछे उसके लिए सिरदर्द बन चुका चाबार बंदरगाह है, जहां भारत उसके सिर पर बैठ चुका है। पाकिस्तान को संदेह है कि भारत ईरान में मौजूद रहकर उसके बलूचिस्तान प्रांत में साजिशें कर रहा है। पाकिस्तान इसी चिंता के चलते भारत को चाबार से दूर करना चाहता है, जबकि रणनीतिक रूप से चाबार भारत के लिए बेहद अहम है। इस पोर्ट का बड़ा व्यापारिक महत्व भी है। चाबार पोर्ट के विकास से पहले भारत से अफगानिस्तान जाने वाला कोई भी सामान पाकिस्तान के रास्ते भेजना पड़ता था, जिससे पाकिस्तान की नजर तो उस पर होती ही थी, साथ में पाकिस्तान को उससे काफी आमदनी भी हो रही थी। लेकिन चाबार बंदरगाह बन जाने के बाद भारत से जाने वाला सामान अब ईरान से होकर अफगानिस्तान पहुंचता है, जो पहले से कम खर्चीला तो हुआ ही, इसमें समय की बचत भी हुई है।
यानी भारत को चाबार पोर्ट रणनीतिक और आर्थिक फायदा पहुंचा रहा है। वहीं पाकिस्तान को इन दोनों ही मोर्चों पर धक्का लगा है। संभवतः पाकिस्तान की बिलबिलाट का एक कारण यह भी है। ऊपर से भारत और ईरान के विदेश मंत्रियों ने अब जिस तरह ताजा ताजा बयान दिए हैं, उसने पाकिस्तान के सारे प्रयास बासी कर दिए हैं। अब यकीनन सदमे में आया पाकिस्तान अपनी व्यर्थ की भागदौड़ का विश्लेषण जरूर कर रहा होगा। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।